फिजिकल रिलेशन में जिन लोगों का टाइम कम रहता है उनके लिए ऑलरेडी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो लिस्ट में जाकर हमारे देख सकते हैं। आज का सवाल आपका ये है कि दो ऑप्शन में से सबसे अच्छा कौन सा है। पहले ऑप्शन में आपने टैबलेट को रखा है जो आपके टाइमिंग को बढ़ाती हैं, और दूसरे ऑप्शन में आपने स्प्रे और जेल को रखा है जो कि आपकी टाइमिंग को बढ़ाते हैं। तो आपका पूछना यह है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है जिसको आप यूज़ करें उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ट्रूली तो यह है कि जो लगाने वाली चीज़ें हैं यानी जो जेल या फिर स्प्रे वो सेफ होते हैं और उनसे नुकसान नहीं है, लेकिन जो टैबलेट्स होती हैं वो हार्मफुल रहती हैं और उनसे आपको हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। वो सभी लोग नहीं ले सकते, उसको लेने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और किसी के ऑब्जर्वेशन में ही उनको लेना चाहिए। एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि 12 घंटे में सिर्फ एक ही बार उस टैबलेट को लिया जाता है। ऐसे भी कई बार केसेस हुए हैं जो लोगों ने 12 घंटे में उसको डबल बार लिया है, तो वो बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, यहाँ अनकंफर्टेबल लगने लगता है, यहाँ सर में दर्द होने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जो लगाने के ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो सेफ हैं, उनके इस तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ करते हैं जो आपको आपके टाइमिंग को बढ़ाती है तो आपको ये दो ऑप्शन यूज़ करने चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे और सेफ हैं। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।